राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी की सरल पूजा विधि, गणेश चतुर्थी की स्थापना विधि सहित। 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी है, तो आइए जानते हैं सरल पूजा विधि। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, भाद्रपद की गणेश चतुर्थी में सर्वप्रथम पंचांग में मुहूर्त देखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। सबसे पहले एक ईशान कोण में स्वच्छ जगह पर रंगोली डाली जाती है, जिसे चौक पूर्णा कहते हैं। उसके ऊपर पाटा अथवा चौकी रखकर उस पर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाते हैं। उस कपड़े पर केले के पत्ते को रखकर उस पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। इसके साथ एक पान पर सवा रुपए रख पूजा की सुपारी रखी जाती है। कलश भी रखा जाता है। एक लोटे पर नारियल को रखकर उस लोटे के मुख कर लाल धागा बांधा जाता है। यह कलश पूरे 10 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। 10वें दिन इस पर रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद खाया जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है, जिसमें जल, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कलश के बाद गणेश देवता की पूजा की जाती है, उन्हें भी जल चढ़ाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर कुमकुम एवं चावल चढ़ाकर पुष्प समर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को मुख्य रूप से दूबा चढ़ाई जाती है। इसके बाद भोग लगाया जाता है। गणेश जी को मोदक प्रिय होते हैं। फिर सभी परिवारजनों के साथ आरती की जाती है। इसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है दोस्तों। तो ये थी हमारी दोस्तों गणेश चतुर्थी की सरल पूजा विधि और स्थापना कैसे करनी चाहिए हमें। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। राधे राधे एवरीवन, गणपति बप्पा की जय।